हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा वीडियो है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ का एग्ज़ाम दिया है और रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। सो गाइस, सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ रिजल्ट को लेकर आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। तो इस वाले वीडियो में बात करेंगे कि सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ का रिजल्ट कब जारी किया जाएगा। जो ट्रेड आप लोगों की बची हुई हैं, उन ट्रेड्स का जो एग्ज़ाम है 21 तारीख से उन ट्रेड्स का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। और जिन ट्रेड का एग्ज़ाम हो चुका है उन ट्रेड का रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा, इस पर भी बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जिन ट्रेडों का एग्ज़ाम हो गया है उनके बारे में सबसे पहले आप लोग जान लीजिए। अगर हम टोटल वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो टोटल वैकेंसी हैं 789। देखिए इसमें, देखिए कांस्टेबल सफाई कर्मचारी, इसका तो आपके लोगों का एग्ज़ाम हो चुका है। सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स, इसका जो एग्ज़ाम है जो अभी तक नहीं हुआ है। कांस्टेबल कुक, इसका एग्ज़ाम हो चुका है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट, इसका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। हेड कांस्टेबल जूनियर एक्सरे असिस्टेंट, इसका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। हेड कांस्टेबल फिजियोथेरेपी असिस्टेंट नर्सिंग असिस्टेंट, इसका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेबोरेटरी टेक्नीशियन, इसका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेक्नीशियन, इसका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। हेड कांस्टेबल ANM मिडवाइफ, इसका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। हेड कांस्टेबल डायलिसिस टेक्नीशियन, इसका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर डेंटल टेक्नीशियन, इसका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है अभी तक। हेड कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट, इसका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन, इसका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। हेड कांस्टेबल स्टेवर्ड, इसका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। कांस्टेबल मशालची, इसका एग्ज़ाम हो चुका है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फिजियोथेरेपिस्ट, इसका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर, इसका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। कांस्टेबल धोबी वाशरमैन, इसका एग्ज़ाम हो गया है। कांस्टेबल वाटर करियर, इसका भी एग्ज़ाम हो चुका है। कांस्टेबल टेबल बॉय, इसका भी एग्ज़ाम हो चुका है। हेड कांस्टेबल वेटनरी, इसका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है फिलहाल। हेड कांस्टेबल लैब टेक्नीशियन, इसका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। हेड कांस्टेबल रेडियोग्राफर, इसका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। इंस्पेक्टर डाइटिशियन, इसका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। देखिए, जिन ट्रेड का एग्ज़ाम हो चुका है उसका जो रिजल्ट है जून के लास्ट वीक में उसका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, और जिन ट्रेडों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है उन ट्रेडों का एग्ज़ाम 21 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताइएगा कि आपने किस ट्रेड से आवेदन किया है, और अगर आप लोगों ने अपनी आंसर की चेक कर ली है जिन ट्रेड का एग्ज़ाम हो चुका है और उन बच्चों ने अपनी आंसर की मैच कर ली है, तो आप लोगों के कितने क्वेश्चंस जो हैं वो सही निकल रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो रिजल्ट जो है आप लोगों का, जिन ट्रेडों का एग्ज़ाम हो चुका है उन ट्रेडों का जो रिजल्ट है जून के लास्ट सप्ताह में, यानी कि लास्ट वीक में रिजल्ट जो है वो घोषित कर दिया जाएगा। सुनने में जो आ रहा है वही मैं आपको बता रहा हूँ, कोई मैं आपको फेक न्यूज़ नहीं देता हूँ। और ना दिन में मैं वीडियो बनाता हूँ कि हर वीकली हर 7 दिन में मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराऊँ, ऐसा नहीं है। जो जानकारी हमको मिलती है वही जानकारी मैं आप लोगों के सामने साझा करता हूँ, ठीक है। और बहुत सारे यूट्यूब चैनल आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनका काम है 3 से 4 दिन में डेली 3 से 4 दिन में एक वीडियो पोस्ट करना, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका काम है 2 से 3 दिन में एक वीडियो पोस्ट करना, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका काम है 7 दिन में एक वीडियो पोस्ट करना। और मेरा क्या काम है, मेरा काम यह है कि जैसे भी कोई हमें अपडेट मिलती है तो उस अपडेट को आप लोगों के सामने कैसे साझा करूँ। तो मेरे पास एक ही उपाय है कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं, उसमें आपको बता दूं कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो जैसे ही हम जानकारी हमको मिलती है छोटी मोटी, वो जानकारी मैं आपके सामने वीडियो के माध्यम से शेयर करता हूं। तो ये मान लीजिए कि मैं वीडियो आप लोगों के लिए जो बनाता हूं, एक महीने में एक वीडियो मैं बनाता हूं। हो सकता है अगर कोई जानकारी मिल जाए तो 15 दिन में आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दूँ, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। तो जैसे ही कोई जानकारी हमको मिलती है वैसे ही मैं आपको सामने जानकारी प्रोवाइड करा देता हूँ। जो ट्रेड का एग्ज़ाम बचा हुआ है उन ट्रेड का एग्ज़ाम जून के लास्ट सप्ताह में उसका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा।
और जिन ट्रेडों का एग्ज़ाम हुआ नहीं है उन ट्रेड का एग्ज़ाम जो है वो 21 जून से उनके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि इसमें आपको अपनी एक सीट कन्फर्म करनी है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक सीट कन्फर्म करनी है। और आप लोगों के पास एक सुनहरा मौका है इसमें जॉब पाने का, क्योंकि वैकेंसी बहुत ही अच्छी है और काफ़ी पुरानी वैकेंसी हो चुकी है, और इसमें आपको कंपटीशन भी बहुत कम देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है 789 पोस्ट में आपको एक पोस्ट लेनी है, एक पोस्ट, सिर्फ एक पोस्ट। तो अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम दे दिया है या फिर देने वाले हैं, तो जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दे दिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, यानी आपके क्वेश्चन कितने सही निकल रहे हैं, अगर आप लोगों ने अपनी आंसर की जो है वो मैच कर ली हो। ठीक है, तो छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।